बहुत अच्छी। अच्छा जी जब बताए नई फिल्म के बारे में जरा, हम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। जी फिल्म का नाम तो अभी रिवील करना उचित नहीं है, बहुत जल्द आप लोगों के बीच वो नाम होगा। बट ऑन अ वेरी डिफरेंट नोट, एक अच्छी फिल्म, महिला प्रधान कह सकते हैं। कब तक शुरू होगी अमरीश जी फिल्म? एक्चुअली अक्षरा जी काफ़ी बिजी होने की वजह से हम पूरी प्रोडक्शन टीम हमारी रेडी है, लेकिन इनके डेट की वजह से अगले महीने 10 तारीख से हम शूटिंग कर रहे हैं। तो जल्दी अगले महीने नवंबर के 10 और 15 के बीच में हम शूट पे जा रहे हैं, मुंबई के गिर्द लोकेशन पे शूट कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत ढंग से खुशनुमा लोकेशन में और खुशनुमा अंदाज में इसको शूट किया जाएगा। क्या कैरेक्टर है इसमें अक्षरा का? सब आपको ही अभी बता दूंगी तो फिल्म में करूंगी क्या? नहीं, लेकिन मेरे बताने के बाद भी बहुत कुछ बचता है। नहीं, अभी नहीं रिवील करना चाहूंगी। जैसे महिला प्रधान फिल्म है तो आपने? जी हाँ, ऑब्वियसली महिला प्रधान है। बोला स्टोरी इज अ वेरी, मतलब बहुत अलग लेवल पे स्टोरी है और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे से फिल्म आएंगे हम लोग तो शायद एक वेलू जी मुझे स्टोरी बता देंगे मेरे दोस्त। थोड़े समय हिंट जरूर करेंगे, ज्यादा तो नहीं कहूंगा, अगर बताए तो फिर ये एक महिला प्रधान ही फिल्म है और एक ऐसी लड़की की कहानी है जो एक लाइन में मैं बताना चाहूंगा, जो अरेंज मैरिज के खिलाफ है, उसको लव मैरिज करना है। तो उसको कैसे क्या होता है इस ताने बाने में पूरी फिल्म है। तो उस नायिका के इर्द गिर्द बहुत सारे किरदार आते हैं लाइफ में और क्या होता है कैसे होता है, तो इस तरीके की नई विचारधारा की फिल्म इस माध्यम से हम आपके बीच में लेके आने वाले हैं। बहुत जल्द इसका टाइटल आपके सामने क्लियर किया जाएगा और अक्षरा जी का बहुत ही दमदार कैरेक्टर है इस फिल्म में, बहुत बेहतरीन गाने हैं। धनंजय मिश्रा जी इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और अभी हम लोग पहला गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं पामेला जैन जी की आवाज़ में और बहुत जल्द फ्लोर पे जाएंगे। बस जैसा कि हमारे अमरीश जी ने बताया कि अक्षरा जी का डेट अरेंज हो जाए फिर हम लोग फ्लोर पे होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि अगले महीने फ्लोर पे होंगे और पूरी ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। हमारी राइटर टीम बैठे हुए हैं, लगातार स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है और हमारी म्यूज़िक टीम लगातार बेहतरीन से बेहतरीन म्यूज़िक बनाने पर लगी हुई है। और ये सही बात है कि अक्षरा जी के साथ मैंने एक पहले फिल्म की थी और हमारी लकी चाम रही हैं, हमारी लकी हीरोइन रही हैं। वो फिल्म भी बहुत बड़ी सुपरहिट हुई और उस फिल्म के गाने भी सब बहुत सुपरहिट रहे हैं। तो ये हमारा लक इस फिल्म में काम करे और हम यही दुआ करेंगे कि इस बार फिर हम लोग आए और धमाका करें और एक बेहतरीन फिल्म आप सबके सामने लेकर आए। ये जोड़ी जो है अमरीश सिंह और अक्षरा सिंह, ये नई है, मुझे नहीं पता आपने पहले फिल्म की है। जी हाँ, पहली बार फिल्म होगी तो ये इसके लेकर क्या कहते हैं? अक्षरा सिंह खुद कितने एक्साइटेड है? ये कौन बनेगा करोड़पति का सवाल नहीं था, सवाल ये था कि नई जोड़ी है तो इसे लेकर कितने एक्साइटेड है? हर फिल्म अपने आप में एक नई फिल्म होती है और एक नया चैलेंज होता है एक एक्टर के लिए। मुझे ऐसा लगता है ये फिल्म भी मेरे लिए उसी तरीके से प्रिय है और उतना ही अच्छा काम करना चाहती हूँ मैं एंड आई एम एक्साइटेड, दैट्स इट। अमरीश जी आप क्या कहते हो? जैसे कि अक्षरा जी ने कहा बिल्कुल एक्साइटमेंट, नहीं मैं शर्मा बिल्कुल नहीं रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट हूँ और अक्षरा जी के साथ काफ़ी दिनों से प्लान चल रही थी कि हम फिल्म करेंगे और काफ़ी लंबे समय से जो हमारे फिल्म के डायरेक्टर विष्णु शंकर बेलू जी के साथ चर्चाएं चल रही थी, स्टोरी पे वर्कआउट चल रहा था। तो खास करके ये फिल्म अक्षरा जी और अक्षरा जी के साथ में मैं इसको बेहतरीन लिखा गया है और बहुत खूबसूरत ढंग से इसको पिक्चराइज किया जाएगा। जी अक्षरा जी, जैसा कि वेलू जी ने बताया कि एक ऐसी लड़की जो कि अरेंज मैरिज में विश्वास नहीं रखती, लव मैरिज में विश्वास रखती है, आपका पर्सनल स्टेक क्या
फिलहाल मैं कोई स्टैंड के लायक ही नहीं हूँ, सो मैं कुछ कह नहीं सकती इस बारे में. अरेंज मैरिज एंड लव मैरिज, आई डोंट नो व्हाट इज बेटर व्हाट नॉट, क्योंकि सोचा नहीं मैंने इस बारे में. वेलू जी, आपको क्यों लगा कि ये अक्षरा जी ये कैरेक्टर अच्छी तरह से निभा सकती हैं? नहीं, ऐसी लड़की जो अरेंज मैरिज करना चाहती है? ऐसा नहीं है. देखिए, अक्षरा जी एक बहुत ही बेहतरीन अभिनेत्री रही हैं, क्योंकि हमने काम किया इनके साथ, तो वो कैरेक्टर को बहुत ज्यादा सीरियस लेती हैं और अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ करती हैं. और देखिए, एक आर्टिस्ट जो होता है वो पानी की तरह होता है, जिस आकृति में उसको डाला जाए वैसा ढल जाता है. और हमारी ट्यूनिंग अक्षरा जी के साथ बहुत अच्छी रही है पहली फिल्म में ही, और बहुत हम लोगों ने कई सारे सीन जमाए हैं. जब फिल्म देखेंगे, हमारी पहली फिल्म बलमा बिहार वाला, तो आपको कई सारे सीन ऐसे दिखेंगे जो यादगार हैं. तो बस मुझे लगा कि नहीं, काफ़ी समय हो गया था और अक्षरा जी पे ये कैरेक्टर मतलब एकदम फिट बैठ रहा था कि नहीं, इसके साथ ये इंसाफ बहुत अच्छा से करेंगी, क्योंकि कहानी को उस हिसाब से लिखा गया है. ये अक्षरा जी के गाने भी आजकल बड़े हिट हुए हैं, तो जी हाँ बिल्कुल, कोई गाना हम इस फिल्म में देख पाएंगे? मैं तो हमारी ख्वाहिश है कि अक्षरा जी एक नहीं कम से कम दो गाने जरूर गाएं हमारे फिल्म में, और लोग इनके किसी फिल्म के लिए गाएंगे. हाँ बिल्कुल बिल्कुल गाएंगे. पहले भी गा चुकी हूँ. हाँ, दिमाग कहाँ रहता है, गलत क्वेश्चन क्यों. तो कौन सी फिल्म के लिए गाया था जरा बता दीजिए मुझे. पवन राजा के लिए गाया था, एंड वन मोर फिल्म तबादला के लिए गाया था. दोनों कौन सी की फिल्म में थे? हाँ, ये अमरीश सिंह की फिल्म है, तो इसमें गाने का क्या एक्सपीरियंस? अमरीश सिंह की फिल्म नहीं है, ये मेरी फिल्म है. दोनों की फिल्म है, वेलू शंकर जी की भी फिल्म है जी. अब ये बताइए मुझे कि अब गाने के लिए, तब आपने वहाँ गाया था, अब गाने के लिए आप एक्साइटेड कितने हो? ये गाओ के भी नहीं है, आप बता दो मुझे. आज ही आपका गाना मैंने सुना, नवरात्रि वाला सुना, वो काफी धूम मचा रहा है. थैंक यू सो मच. और कौन कौन से गाने हैं जो आने वाले हैं अक्षरा? अभी नवरात्रि के 3-4 गाने और आने वाले हैं, और आज शाम में भी रिलीज है एक दो गाना. आई एम सो हैप्पी कि लोग मुझे बतौर सिंगर भी पसंद कर रहे हैं और इतना सारा प्यार दे रहे हैं. आपने एक नई चीज शुरू कर दी, रानी चटर्जी और काजल राघवानी ने भी गाना शुरू कर दिया है. वेरी गुड, अच्छी बात. कॉम्पिटिशन बढ़ गया. अब कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, मुझे लगता है मेरा कॉम्पिटिशन सिर्फ और सिर्फ अपने आप से है. बाकी लोग अच्छा करें, मेरे तरफ से बेस्ट विशेस है सभी लोगों को. ओके, आई थिंक आई एम डन. ठीक है, किसी और को कुछ कहना? गाना सुनना था. अच्छा, हां गाना. आज पहला ही दिन है नवरात्रि का, और आज गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होता है. चलिए गाना सुनते हैं. पहला गाना जो रिलीज हुआ था, नहीं, सबसे पहले तो आज माँ का आगमन है, आज पहला दिन है, तो आज जो गाना रिलीज हुआ है वही सुनाना चाहती हूँ. आप अलग से वीडियो चलाएंगे क्या? कहाँ चले, यूट्यूब चैनल पे जाएगा क्या? चलिए चलिए, सॉरी. गा के कोयलरिया रे पा, चरवा के गीतिया सु, नवतारी हो लागे रुनु की झुनु की माया बतारी हो, लागे रुनु की झुनु कि माया बतारी हो. बेहतरीन, बहुत ही शानदार. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.